रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के प्रकट उत्सव पर हिंदू युवा वाहिनी की ओर से राजा की मंडी बाजार स्थित दरियानाथ जी मंदिर से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और महंत योगी दीदारनाथ ने भगवान श्री राम, हनुमान जी और गणेश जी के स्वरूपों की आरती उतार कर किया। शाम 6 बजे शुरू हुई शोभा यात्रा दरियानाथ मंदिर से भगवान श्री राम स्वरूपों की शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे ढोल और बैंड बाजों की धुन पर निकलती शोभा यात्रा में सबसे आगे विघ्नहरण गणेश जी का बाल स्वरूप की झांकी, उसके बाद खाटू श्याम जी, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और हनुमान जी के बाल स्वरूप की झांकी भी शामिल रही। भक्ति गीतों पर झूमते नाचते हुए भक्तों ने जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव आदि के जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय कर दिया। शहर के प्रमुख मंदिरों के महंत, साधु संत और बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने भी शोभा यात्रा में पहुंचकर अपनी भागीदारी की। इस दौरान पारस्परिक प्रेम और सद्भाव की मिसाल भी देखी गई। महानगर अध्यक्ष तरुण सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा राजा मंडी बाजार से शुरू होकर महात्मा गांधी मार्ग, नालबंद, पचकुया, बलकावस्ती, गोकुलपुरा होते हुए राजा मंडी के दरियानाथ मंदिर पर ही संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में मीठे शरबत और प्रसाद का वितरण किया गया, तो वहीं पुलिस एवं प्रशासन भी मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान होता रहा। रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हिंदू युवा वाहिनी प्रति वर्ष कई वर्षों से निरंतर मना रही है बहुत हर्षोल्लास के साथ। हमारे सभी कार्यकर्ता तो शामिल होते ही हैं इस शोभा यात्रा में, साथ ही साथ जन सैलाब, जो क्षेत्रीय जनता है, राम भक्त है, सभी लोग अपने आप यहाँ पर रामनवमी के पावन पर्व पर कार्यालय शाम को दरियानाथ मंदिर अपने आप ही स्वतः आ जाते हैं कि यहाँ से परंपरागत और आगरा की सबसे प्राचीन और पहले तो सिर्फ हम ही लोगों की निकलती थी शोभा यात्रा, ये शोभा यात्रा सिद्धनाथ जी द्वारा सन 2007 में इसका चालू किया गया और आज तक निरंतर निकल रही है। हर वर्ष आगे भी हमेशा इसी भाव से, इसी प्रेम से, इसी प्रभु श्रद्धा से ये सदैव निकली। शोभा यात्रा दरियानाथ मंदिर से प्रारंभ होकर राजा मंडी चौराया और नालबंद से पचकुइया से अशोक नगर, गोकुलपुरा, छपेटी होते हुए वापस समापन यहीं पर होता। लगातार आज तक निकली आ रही है हमारी शोभा यात्रा और आज तक हमारे जहाँ यहाँ शोभा यात्रा गई, जितने रूट से गई, वहाँ से लोगों ने हमारा भव्य स्वागत किया यात्रा का, प्रभु श्री राम जी का स्वागत किया, रूप का स्वरूप का स्वागत किया। उसके बाद हमारे पूरे रूट में होते हुए हमारा पूरा सहयोग, जितने साथी थे हमारे, उन्होंने पूरा सहयोग किया हर चीज में, इसलिए हर साल इसी तरीके से हम यात्रा निकालने की करेंगे।